बच्ची को पढ़ाती है, पढ़ाने के दौरान ही ऐसी घटना घट जाती है। चाची क्या घटना हुई थी और क्या हुआ था? मेरे बेटा को, मेरे बेटी को बेटी कितने में पढ़ती थी बता। 10 क्लास में पढ़ती थी, बेटा 9 क्लास में है। तीनों बच्चे मेरे ही पर होता है, 8 क्लास में पढ़ती छोटी वाली सबसे बड़ी थी। जब आया स्कूल में एक बिंदी निकाल के लाया, तो छोटा वाला काला वाला, तो बिंदी जैसे देखा मिस को ना उतार के फेंक दिया। उतने में मिस देख लिया इसको कि हमको देख के फेंक आई, आके सब बच्चे लोग का सामने दो चमेटे उसको मार दिया। उसके बाद वो बात को लेके प्रिंसिपल के सर के पास गया। प्रिंसिपल सर बोला कि तुम बैग लो और निकलो। उसके बाद थाना के पास, मेरे यहाँ पर आगे में घर है, मेरे बाबू उनको बुला के लेके बोला चलो थाना के पास। दीदी रो रहा, बोले का है बाबू? तो बोला कि चलो ना कुछ बात है। तो हम बोले क्या हुआ? तो माँ देखो ना मिस हमको दो चमेटे मार दिया, तुम कभी भी आज तक नहीं मारी। हम बोले ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा गलती है तो भी माफ़ी मांगेंगे, अगर उसका भी गलती है फिर भी हम माफ़ी मांगेंगे। हम प्रिंसिपल सर को बोले, आए स्कूल में प्रिंसिपल सर था केबिन में बैठ के, प्रिंसिपल सर के पास दोनों माँ बेटी गए। माँ बेटी जाने के बाद हम उसको बोले सर एक काम कीजिए ना सर, मेरे बच्चे का अगर गलती है सर मिस को बुला दीजिए, हम थोड़ा सा माफ़ी मांग लेंगे और आपसे भी माफ़ी मांग रहे हैं सर, मेरे बच्चे को रख लीजिए और मिस को बुला दीजिए। प्रिंसिपल कुछ बात नहीं सुना मेरे, हमको मेरे बच्ची को निकाल दिया। उसी में हम बेटी को बोले छोड़ दो बेटा, पैसा नहीं निकाले नहीं जाए तुम मत जाओ। उसी में बेटी मेरा स्कूल का ड्रेस ही में था, स्कूल का ड्रेस खोला नहीं था। हम नहीं जानते कि सुसाइड नोट लिख रहा है, हम पढ़े लिखे नहीं। हम बोले बेटी तू क्या लिख रहे, स्कूल में ड्रेस भी नहीं खोली बाबू। तो बोला माइक तो कल हमको एग्जाम देना उसका इसे भी लिख रहे हैं। आधा घंटे में नहाने के लिए गया, उसने मेरे बेटे सुसाइड नोट छोड़ के और वो स्कूल ड्रेस में फांसी लगा लिया। उसके बाप भी हाल फिलहाल में डेट किया, कितना मुश्किल से वो लोग को पाल रहे थे, कितना मुश्किल से वो लोग को पढ़ा रहे थे। अभी ही काम करके पढ़ा देते हैं, मेरा हस्बैंड डेट कर गया है, सबसे पूछ सकते हैं गेट कर दिया। क्या चाहती है अभी आप? जो मारा है इसका नाम पे नोटिस किया है, नाम है मैडम का, और प्रिंसिपल का सर का नाम दिया हुआ है, मैडम का नाम दिया हुआ है। हम चाहते हैं उन लोग को अरेस्ट कीजिए और इसको सील कीजिए। नहीं चाहते कुछ। जब आप स्कूल गए थे माफी मांगने के लिए फिर भी माफ नहीं किया? नहीं माफ नहीं किया, हम लोग जलील किया, जलील करके निकाल दिया। हम लोग गरीब है, हम लोग बावरी, हम लोग का कुछ इज्जत नहीं है। बावरी हम लोग बावरी जाते हैं, स्कूल में कुछ बोला गया जाते पैसा में जाए तब ना हम लोग को इज्जत नहीं है। अगर लग रहा था मेरे पे पैसा नहीं ना करता, हम लोग माफी मांगने का बावजूद भी उनको निकाल दिया। आपने कहा कि आपने पेरेंट्स अगर कोई बड़ा डर का हो तो मैडम का नहीं, प्रिंसिपल सर का। मैडम नहीं आया, प्रिंसिपल सर क्या बोले? बोला कि आप बेटी को लेके जाइए, हम घर में टीसी लिखवा देंगे, हमको बेटी को नहीं रखेंगे। बोले ठीक है सर, कभी हुआ चार महीना मेरे बेटे भी एग्जाम देता और मेरे बेटी निकलता। हम बोले ठीक है मेरे सर, अगर निकलने का कारण अपना खुद खुशी कर, और वो भेजी थी मेरे बच्चे के कारण, और थिएटर में भी लिखा है कि मेरे बच्चे बेइज्जती होने का कारण हम सुसाइड कर रहे हैं। मुआवजा नहीं चाहिए आपको? क्या देगा हमको, इसको बंद कीजिए स्कूल और उसको कड़े से कड़ी सजा दीजिए। मेरे बच्चे तो अब नहीं ना आएगा, किसी का तो बाल बच्चा बढ़ जाएगा ऐसा करके। और एक तो बच्चा हुआ था, सजा होगा ना जैसे ये कर दिया अपने बेटी के लिए, ऐसा ही करके अपने बच्चा के लिए बच्चा सजा और किया। तो उन लोग कोई आया नहीं? आपके और भी बच्चे हैं? दो दो हैं, पढ़ते हैं। हाँ, सर के दो बच्चे। उन लोगों के साथ कुछ हुआ है? नहीं सर, उन लोग के साथ मेरी छोटी वाली बोलती थी माँ, आप सुनिए ना, पुलिस भी कुछ नहीं साथ किया। जब पूरा बस्ती वाला बावरी बस्ती में सब उठ के आया, पूरा बस्ती जब आ गया तब जाकर डीएसपी को बोलवाया, तब डीएसपी में